नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका निगोही स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर विपिन वर्मा ने। 11 सितंबर दिन शनिवार, आज फिर से एक बार वैगन ट्रेन शाहजहांपुर की दिशा से निगोही होते हुए आगे बीसलपुर की दिशा में गई है, जिसको शूट किया विपिन भाई ने और वीडियो बना करके हमको भेजा। सामने से लोको की लाइट आपको आते हुए नज़र आ रही होगी। रन थ्रू लाइन से ये ट्रेन पास हुई यहाँ से निगोही स्टेशन से। शाम का वक्त है और निगोही स्टेशन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। तार खींचने का काम चल रहा है, यहाँ पर क्रॉस बार्स भी अभी लगाए जाने हैं। और यात्री गाड़ी कब चलेगी इसको लेकर जनता में अब रोष होता जा रहा है, क्योंकि उसकी कोई डेट नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोको पायलट किस प्रकार से ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, ये देखिए, और लाइन क्लियर है एकदम। सामने आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा रन थ्रू लाइन का, जिससे ये वैगन ट्रेन बीसलपुर की दिशा में कोयला लेकर के जा रही है। और अब इस रेलखंड के लोगों को, जो पीलीभीत शाहजहांपुर रेलखंड है, अब जुड़ गया है चूँकि, और देखिए वैगन ट्रेन मालगाड़ियां आ रही हैं शाहजहांपुर की दिशा से। तो अब इस क्षेत्र की जनता जो है, इस रूट के जो दैनिक यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं तमाम, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ ट्रेन को देखने आ गए हैं स्टेशन पर, जो लोकल्स हैं उनको अब बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि इज़्ज़त नगर मंडल कब रेलगाड़ियों के चलाने की घोषणा करता है, कब उसकी इनॉग्रेशन की डेट आती है। क्योंकि बरेली पीलीभीत टनकपुर रूट पर 6 जोड़ी रेलगाड़ियाँ और बढ़ने जा रही हैं 15 तारीख से। तो अब शाहजहांपुर क्यों छूट रहा है, ये जो रूट है पीलीभीत शाहजहांपुर वाला, इसको क्यों अनदेखा किया जा रहा है। डीजल लोको से ही सही, लेकिन अब रेलगाड़ियों को अविलंब चलाना चाहिए ताकि जो यात्री हैं उनको सुविधा मिले। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी देख ही रहे हैं आप किस प्रकार से चल रहा है। तो ये था छोटा सा अपडेट निगोही स्टेशन से।